इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 50 ओवर का ये मैच होगा, मैदान अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। ये मुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाएगा, मतलब दिल की धड़कनें थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगी। वर्ल्ड कप का वो कह रहे ड्राफ्ट स्केड्यूल आ गया है, तो जरा उस पर नजर डाल लेते हैं कि भारत के सामने कौन कौन है और कब कब है। और WTC उसकी भी नेक्स्ट साइकिल अब हो गई है कंफर्म, और सबकी श्रृंखलाएं डिसाइड हो चुकी हैं। हम जहां वेस्ट इंडीज जाएंगे तो वो दो टेस्ट मैच की श्रृंखला भी उसी का हिस्सा है। पर किस टीम के चांसेस ज्यादा ब्राइट लग रहे हैं इस बार फाइनल में पहुंचने के लिए, नजर डाल लें उस पर भी। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद प्रोवो में आप सभी का हाथ जोड़ के हार्दिक स्वागत। और एक और बात कहना चाहता हूँ शुरुआत में ही, अगर तो फैंटेसी खेल रहे हो तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, क्योंकि TNPL में एकदम अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया हमने, कमाल कर रहे हैं, आपका भी फायदा हो जाएगा, अपना तो हो ही रहा है टच वुड। तो आओ साथ में खेलेंगे अगर आप फैंटेसी खेलते हो, नहीं खेलते तो कोई बात नहीं। लेट्स डिस्कस द वर्ल्ड कप स्केड्यूल फर्स्ट। बड़े समय से इंतजार कर रहे थे कि आएगा आएगा आएगा, फिर ये पता चला कि जैसे ही WTC का फाइनल खत्म हो जाएगा तो फिर उस स्केड्यूल को रिलीज किया जाएगा। ड्राफ्ट स्केड्यूल आ चुका है, फाइनल कब आएगा वी डोंट नो, पर इसी को सब मान रहे हैं कि ये फाइनल है। पहला मुकाबला भारत का 8 अक्टूबर को है, ये मुकाबला चेन्नई में है। वैसे 8 अक्टूबर चेन्नई में अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है, तो ये थोड़ा सा मुझे डाइसी लग रहा है कि जितने चेन्नई के मैचेस हैं ये किस तरह, क्या ये हो सकता है कि रेन अफेक्टेड गेम्स हो। अक्टूबर इज स्टिल अ लिटिल अर्ली, नवंबर में तो पक्का बारिश होती है भाई। तो ये मुकाबला चेन्नई में है ऑस्ट्रेलिया के सामने, सो इंडिया इज स्टार्टिंग विद एन एब्सोल्यूट बैंग ऑफ अ मैच, और प्रॉपर एक बड़े मुकाबले के साथ शुरुआत हो रही है। 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के साथ आप दिल्ली में खेलेंगे। अफगानिस्तान इज अ टीम जिसकी बॉलिंग आपको तंग करेगी, इतनी आसानी से मतलब आपसे वो मार नहीं खाएंगे। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे वो नूर हो, राशिद हो, मुजीबुर रहमान हो, नबी हो, या कोई भी जो भी, अगर आप उनके आप 11 देखते हैं आप पाएंगे कि सब कुछ करते पड़ते भी ना मतलब भारत इस मुकाबले को तो जीत जाता है। ये लगता है कि अफगानिस्तान आपको रोक सकता है, पर अल्टीमेटली इंडिया एक्चुअली फाइनल है। एशिया कप में भी बहुत बड़ी जीत अर्जित की थी कोहली का, और T20 का पहला शतक भी वहीं आया था, T20 इंटरनेशनल कप। 15 अक्टूबर जब धड़कनें रुकेंगी, घड़ियां थमेंगी, अहमदाबाद क्या मुकाबला बनेगा, वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये मुकाबला खेला जाएगा अहमदाबाद के मैदान पर। 125,000 लोग होंगे भैया, 125,000 लोग शोर मचाएंगे, और इंटरेस्टिंग ये मुकाबला रहने वाला है। दिस इज लाइक प्रॉपर ब्लॉकबस्टर स्टफ। फिर उसके बाद पुणे की तरफ जाएगा भारत 19 अक्टूबर को बांग्लादेश के सामने। बांग्लादेश इज नॉट दैट लाइक ऐसे पुशोर वाली टीम नहीं है, ये थोड़ी ठीक टीम है, और 50 ओवर क्रिकेट में भी मुझे लगता है ठीक करेंगे। दिस इज अ टीम दैट कैन एक्चुअली ट्रबल यू अ लिटिल बिट, अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, क्योंकि मैचेस का ड्यूरेशन बड़ा है ना, तो अफगानिस्तान से कम डर लगता है भैया, बांग्लादेश से थोड़ा लगता है कि ये एक्चुअली कैन बी एन अपसेट काइंड ऑफ अ गेम, जहां पर आपको थोड़ा संभल के खेलना होता है। धर्मशाला के खिलाफ न्यूजीलैंड में 22 अक्टूबर को, नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। 22 अक्टूबर मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा होना शुरू होता है, अभी ठंडा पूरा नहीं होता है। धर्मशाला का मैदान पिच में उछाल गति, न्यूजीलैंड हैज बीन आर वो कहते हैं ना एकिलीज ही है, तो ये एक थोड़ी दिक्कत हो सकती है भैया, न्यूजीलैंड से अपने को थोड़ा बच के हमेशा रहना होता है। तो न्यूजीलैंड एंड इन धर्मशाला का मैदान इनको सूट कर सकता है। इंग्लैंड के सामने हम 29 अक्टूबर को लखनऊ में होंगे, इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती इंग्लैंड को खेलने के लिए। यहाँ पे अपने 3-4 अपने स्पिनर खिला दो, जितने स्पिनर सेलेक्टेड है सारे खिलाओ, बहुत सारी स्पिन कराओ और सामने वाली टीम को फंसाओ, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग माइट को अगर रोकना चाहते हैं तो इकाना से बेहतर मैदान नहीं है। लेकिन हल्का सा यहाँ पे कैवियट ये है कि इकाना में ऑलरेडी वो रिले कर चुके हैं पिच, अब जब रिलेड पिच होगी 4-5 महीने का समय है, अब कितनी अच्छी बनकर आएगी, क्या पता उतनी अच्छी भी ना बने और फिर भी वो टर्निंग पिच बन जाए, और ये हो सकता है 230-245 वाला मैच आ जाए, और दिस कुड एक्चुअली बी इन इंडिया फेवर। उसके बाद क्वालिफायर के खिलाफ हम 2 नवंबर को मुंबई में खेलेंगे, फिर 5 नवंबर को साउथ अफ्रीका इन कोलकाता, और साउथ अफ्रीका इज ऑलवेज अ डिसेंट टीम, और फिर 11 नवंबर को क्वालिफायर वर्सेज बेंगलुरु। तो एक महीना और एक हफ्ते के बाद आपका लीग फेज समाप्त होगा। इसमें बड़े टेकअवेज ये हैं कि आप शुरुआत बहुत स्ट्रांग टीम्स के सामने कर रहे हैं, पर एंड में आपके पास मौका रहेगा, अगर नेट रन रेट की कोई कहानी है, गुफ्तगू हो रही है, तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं इन द लैटर हाफ, राइट टुवर्ड्स द एंड यू कैन एक्चुअली डू दैट। कुल मिला के स्केड्यूल तो अच्छा नजर आ रहा है सभी, क्योंकि टीमों को खेलना है, तो पहले किसको बाद में किसको उससे बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, पर 15 अक्टूबर अभी से बुक कर लीजिए।
WTC की ट्रॉफी को हम अपने नाम नहीं कर पाए, दैट्स करेक्ट। एक बार तो लग रहा था कि इंडिया कमबैक कर रही है और लेकिन आखिरी में रिजल्ट कुछ और ही हुआ भाई। मैच जीता ऑस्ट्रेलिया ने, ट्रॉफी उठाई, लेकिन मैं तो इस मैच में भी जीत गया हूँ भाई साहब, वो भी सिर्फ अपने ओपिनियंस का इस्तेमाल करकर। प्रोबो ऐप पर सिंपल है, प्रोबो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है और आप जीत जाओगे ढेर सारा प्रॉफिट। बिल्कुल, यू हर्ड दैट, एब्सोल्युटली राइट। इसमें हर तरह की कैटेगरी ना आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे क्रिकेट है, क्रिप्टो है, फुटबॉल है, इवन वेदर भी है। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट और नॉलेज होना उसको सेलेक्ट करके ओपिनियन आप दे सकते हैं, आसान सब। मेरी विनिंग्स आप देख ही सकते हैं, इसमें इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं, मुश्किल नहीं है। जैसे ये था कि क्या रविंद्र जाडेजा दो या उससे ज़्यादा विकेट्स लेंगे सेकेंड इनिंग्स में, ऑफकोर्स लेंगे यार, मैंने इसमें येस करा तो फिर प्रॉफिट आपके सामने नजर आ गया। ऐसे हजारों सवाल प्रोबो पर आते रहते हैं, रोज आते हैं, और अब तो तमिलनाडु प्रीमियर लीग भी चल रही है और उसके भी क्वेश्चंस लाइव हो चुके हैं ऐप पर। हम तो खेल ही रहे हैं, आप भी खेलिए भैया, मैंने तो अपना ओपिनियन दे दिया है। ऐसे जो आसान से आसान सवालों पर आप भी ओपिनियन दे के पैसे कमा सकते हो, और जीते हुए पैसों को मैं आसानी से पेटीएम, गूगल पे, कार्ड के जरिए अनलिमिटेड विड्रॉ कर लेता हूँ, आप भी कर सकते हो। अब भैया 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस ऐप को रोज़ यूज़ करते हैं और रियल मनी जीत रहे हैं, रियल मनी जीतने का मौका है। तो फिर प्रोबो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज़ डू चेक इट आउट। मेरे लिंक से जाओगे तो आपको मिलेंगे up to ₹25। तो फिर ओपिनियन का इस्तेमाल करो, प्रोबो करो। अब समझ में आ गया आपको कि भाई ओपिनियन का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, अच्छे से किया जा सकता है, तो वो आप कर लीजिएगा प्रोबो पर जाकर। अब मैं जरा एक और इंटरेस्टिंग, एक्चुअली आई फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग, वर्ल्ड कप के स्केड्यूल में इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा चीजें इसलिए नहीं लगती कि आप स्केड्यूल में क्या देखते हो, आप कहते हो पिचेस कैसी होंगी, पिचेस आजकल सब जगह फ्लैट होती है। चेन्नई में थोड़ा सा मानसून का इशू हो सकता है, बाकी जगह नहीं होगा, बाकी जगह ड्यू का इशू हो सकता है, और खासतौर से क्योंकि वो दिन में मैच का पहला इनिंग्स निकल जाता है, बाद में ड्यू के चांसेस बनते हैं, सो ये हो सकता है धर्मशाला फॉर एग्जांपल कुड बी अ लॉट ऑफ ड्यू, अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो शाम वहां पे हो सकती है। कोलकाता देयर कुड बी अ लॉट ऑफ ड्यू एज वेल, क्योंकि वहां पे सर्दियां, जल्दी सूर्य का ढलना, हो सकता है कि सेकंड इनिंग्स में काफी ड्यू आ जाए, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो सकता है, बाद में अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो आप फंस जाए, तो ये वाली चीजें जरूर हो सकती हैं। पर सबको एक एक बार खेलना है तो फिर उतना लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, पर WTC में पड़ता है भाई, क्योंकि आप सबको एक एक बार नहीं खेलते हैं। होम एंड अवे किसकी क्या क्या श्रृंखलाएं हैं, लेट्स स्टार्ट विद इंडिया। इंडिया की जो 6 श्रृंखलाएं हैं उसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर खेल रहे हैं, 3 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला है ये। इंग्लैंड के खिलाफ हम घर पर खेल रहे हैं, 5 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला है ये। इंडिया वर्सेज बांग्लादेश भी 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, ये सितंबर 2024 के लिए है। उसके बाद अवे सीरीज जो है उसमें एक तो वेस्ट इंडीज को खेल रहे हो, वहां भी 2 ही टेस्ट खेल रहे हो, और उसके बाद आप 2 ही टेस्ट खेलने जाओगे साउथ अफ्रीका, दैट्स इट, वो इसी साल के एंड में जाओगे, सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस, और फिर 5 टेस्ट मैच आप खेलोगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, दैट्स दिसंबर 2024। तो भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका, पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है साउथ अफ्रीका के जो टेस्ट काटे जा रहे हैं ना, वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अकोमोडेट करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ 5-5 टेस्ट खेलने हैं। इसके बाद आप किसी के साथ भी 2 से ज्यादा नहीं खेलना चाहते, सिर्फ एक न्यूजीलैंड एक मात्र ऐसी टीम है जिसको आपने घर पे 3 मैचेस खिलाए हैं, बाकी ऑल टेस्ट सीरीज है बिकम 2 टेस्ट सीरीज। तो ये थोड़ा सा, ये मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया दे आर प्लेइंग 5-5 गेम्स टुगेदर, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भी आपस में 5-5 खेलते हैं, हम भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ 5-5 खेलते हैं, सो द बिग 3 आर एक्चुअली प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर 5-5, पर बाकी टीमें थोड़ा सा पीछे रह गई हैं। साउथ अफ्रीका डिजर्व्स अ लॉट मोर, पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी आप सिर्फ 2 ही खेल रहे हैं, नॉट आइडियल, पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगती ये बात, दैट्स जस्ट माय पर्सनल चॉइस। ऑस्ट्रेलिया इस साल की विजेता, इंडिया को होस्ट करेगी, वेस्ट इंडीज को होस्ट करेगी, पाकिस्तान को होस्ट करेगी, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान घर पर, ऑस्ट्रेलिया ठीक है डन, अवे सीरीज में एक तो अभी एशेज हो जाएगी, फिर न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया का इस बार भी अच्छा चांस है, ऑस्ट्रेलिया का इस बार भी बहुत बढ़िया चांस है टू एक्चुअली रीच द फाइनल्स। अगर ये इंग्लैंड को अवे में, मतलब अभी अगर ये एशेज जीत जाते हैं, तो आप समझ लीजिए एशेज जीतते ही शायद ये क्वालिफाई कर जाए, उसका बहुत सारे मुकाबले बचेंगे, पर आई फील एशेज विल बी क्रिटिकल टू देयर फॉर्च्यून्स। अगर मैं इंग्लैंड को देखता हूँ तो घर पे आप जरूर, मुश्किल नहीं है घर पे आप वेस्ट इंडीज और श्रीलंका को खेल रहे हैं इस एशेज के अलावा, तो वो दोनों सीरीज आप जीत जाएंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए वेस्ट इंडीज एंड श्रीलंका। पर अवे टूर में इंडिया और पाकिस्तान दोनों है, पाकिस्तान अब किस तरीके की पिचेस बनाएगा ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट रहता है, अगर बिल्कुल सपाट बनाएगा तो पाकिस्तान क्या करता है, पर इंडिया और न्यूजीलैंड, इंडिया से इंडिया में हारेंगे पक्का ये, पाकिस्तान से पाकिस्तान में हारना चाहिए इनको, न्यूजीलैंड के अंदर 50-50 मुकाबले रहने चाहिए, तो इंग्लैंड इज 50-50 इन माय ओपिनियन। न्यूजीलैंड घर पे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका तीनों अच्छी टीम्स घर पर हैं, एक भी हल्की टीम नहीं है,
और बाहर जाते हुए इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, तीनों ये सब कॉन्टिनेंट में आएंगे, न्यूजीलैंड कहीं नहीं जाएगी। न्यूजीलैंड विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई वन मोर टाइम इज माई वर्डिक्ट। मुझे लगता है नहीं कर पाएंगे क्वालिफाई। एक टीम जो मुझे लगता है क्वालिफाई करेगी, करनी चाहिए, साउथ अफ्रीका इज होस्टिंग थ्री एशियन टीम्स, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, तीनों को ये घर पे खेल रहे हैं और तीनों की तीनों श्रृंखलाएं को आइडियली जीतनी चाहिए क्योंकि ये उस तरीके की टीम है। घर पर अवे टोर्स में एक वेस्ट इंडीज का टोर है जो ये जीतना चाहिए इनको, एक बांग्लादेश का टोर है जो 50-50 जा सकता है क्योंकि बांग्लादेश एट होम इज वेरी गुड, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में टक्कर दे सकते हैं। तो साउथ अफ्रीका, थ्री एशियन टीम्स एट होम, वेस्ट इंडीज अवे, बांग्लादेश अवे, न्यूजीलैंड अवे। मुझे इनके एक्चुअली जो कॉम्बिनेशन है ना, मुझे अच्छा लग रहा है। आखिरी टीम जो मैं उस पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है पाकिस्तान। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश को होस्ट करना है, जीतने चाहिए भाई, घर पे जीतो, लेकिन इनके बाहर के दौरे जो है उसमें फंस जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया जाना है, साउथ अफ्रीका जाना है, श्रीलंका में जीत भी जाएंगे तो दो मैचेस, दो श्रृंखलाएं यहाँ बाहर इनके हारने के चांसेस बहुत ब्राइट है। तो पाकिस्तान घर पे नहीं जीतते ना, दैट्स द प्रॉब्लम। अगर कोई बच गया तो बांग्लादेश, देर इंटरेस्टिंग एक्चुअली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका ये होस्ट कर रहे हैं, अवे टोर्स इनके खराब नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज के हैं, बांग्लादेश इफ दे प्ले आउट ऑफ द स्किन, दे आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड, दे आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दे आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका ये नहीं खेल रहे हैं, नो, सो देन इट बिकम्स अ वेरी डिसेंट थिंग कि आप इन बड़े जो सेना कंट्रीज में आप अवे टोर नहीं कर रहे हैं, ये वाली टीम आपके घर पे आ रही है, आप इनको हरा सकते हो। और वैसे सेना कंट्रीज के खिलाफ आप खेल ही सिर्फ साउथ अफ्रीका से रहे हो, इंग्लैंड से आप नहीं खेल रहे, आप नहीं न्यूजीलैंड से खेल रहे हो पर घर पे खेल रहे हो, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से आप खेल नहीं रहे। तो मुझे लगता है बांग्लादेश के चांसेस भी ब्राइट मुझे नजर आते हैं, पर मेरा ये मानना है कि साउथ अफ्रीका हैज अ ग्रेट चांस, इंडिया हैज अ डिसेंट चांस, क्योंकि इंडिया का मुझे लग रहा है कि जब ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया दो अवे टोर्स मुश्किल होंगे, इस बार उतने आसान नहीं होंगे, और घर में ये तीनों जीत जाने चाहिए, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश, इंडिया में करना चाहिए क्वालिफाई। एक्चुअली इट कुड बी अ थ्री हॉर्स रेस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका कुड बी द थ्री टीम्स फाइटिंग फॉर द टॉप टू स्पॉट्स, मुझे ऐसा लगता है। अबर आज के लिए मेरे पास इतना ही है, टू लेट मी नो कि आपको चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल कैसी लगी। प्रोमो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, यू कैन गेट अप टू ₹25 अगर आप मेरे लिंक से जाते हैं। बहुत लोग अपनी ओपिनियन का इस्तेमाल करके पैसे कमा चुके हैं, मुनाफे में हैं, आप भी रह सकते हैं, सिंपली ओपिनियन का इस्तेमाल करो, प्रोमो करो, और अभी क्या करो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजाते रहो।